नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप मेरे ये कंटेंट्स को देख रहे हैं, मैं बनाने जा रही हूँ एक बढ़िया ब्रेड पुडिंग जो इंस्टेंट बनती है और बहुत ही कलरफुल और अच्छी। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा एक चम्मच एगर ठंडे रूम टेम्परेचर मिल्क पे इस तरह से घोल लिया है और इधर करीब मैंने 400 ml के करीब दूध को गर्म होने रख दिया। और ये मेरे पास है कुछ ब्रेड पीसेस जिसको मैं अभी मिक्सी में चला लूंगी और हम इसको ट्राई कलर में बनाएंगे, तीन कोई से भी रंग लेके। तो मेरे पास है येलो, रेड एंड ग्रीन और मैं बनाती हूँ कलर्ड पुडिंग। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने ब्रेड को चला लिया मिक्सी के अंदर और बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने चलाया और अब मैं इसको डाल रही हूँ मिल्क के अंदर। इस तरह से आप तीन से चार ब्रेड ले लीजिए और 300 to 400 ml मिल्क और इस तरह से इसको डाल दीजिए और बस ये हो जाएगा गाढ़ा। और इसी समय पे जब ये गाढ़ा हो रहा है उसी समय पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये एगर और हमें बस अब कंटिन्यूस इसको स्टर करना है ताकि ये नीचे लगे नहीं, कुछ इस तरह से। अब देखिए ये काफी गाढ़ा हो गया तो इस टाइम पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर शुगर। शुगर आप अपने फैमिली के टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए और शुगर अब क्योंकि मेल्ट होगी इसमें तो ये बिल्कुल बढ़िया ये इस तरह से बन जाएगा हमारी पुडिंग। और इसको अब हमें जमाना है, थोड़ा सा ये और मेल्ट हो जाए शुगर और फिर हम अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे क्योंकि एगर भी बहुत जल्दी जमने लग जाता है। तो कलर्ड हमारी पुडिंग बनके हो जाएगी तैयार। ये देखिए, तो अब मैं गैस को करूंगी बंद क्योंकि शुगर मेल्ट हो गई है। और यहाँ देखिए मैंने तीन कलर रखे हैं, ग्रीन, रेड और कुछ येलोइश ऑरेंज। तो मैं इसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी इस तरह से। देखिए हम इस तरह से इसको स्टर करेंगे, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में फूड कलर की ज़रूरत होती है और ये बिल्कुल सेफ है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कलर्ड बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ये मैं अब सेकंड कलर बनाने जा रही हूँ। बढ़िया रेड कलर इसके अंदर, ये देखिए है ना अच्छा। और थर्ड में इसको करने जा रही हूँ, ये है मेरा येलोइश कलर, इसको भी मैं इस तरह से मिला दूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा ये बनके होगा तैयार। ये देखिए, तो चलिए अब हमारे तीनों कलर हो गए तैयार। तो देखिए सबसे पहले मैं डाल रही हूं इसके अंदर ये व्हाइट देखिए, इसी के ऊपर मैं फैला दूंगी ग्रीन कलर और इस तरह से हम धीरे से इसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए बढ़िया
ये हो गया हमारा ग्रीन, और इसके ऊपर मैं डालूंगी ये येलो कलर। ये देखिए मैंने डाल दिया येलो, और लास्ट में मैं डालूंगी रेड। ये हो गई हमारी बढ़िया पुडिंग कलरफुल तैयार, है ना, बढ़िया आइडिया। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम रखेंगे इसको, और एक स्क्वायर की मदद से हम थोड़ा सा इसको इस तरह से ऐसे भी कर देंगे, और बस अब हम रख देंगे इसको सेट होने के लिए। तो चलिए मिलते हैं 3 घंटे बाद जब ये सेट हो जाएगा। अब देखिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल जम गई और बिल्कुल स्क्यूअर क्लीन आया है। तो मैं थोड़ा सा एजेस को मोल्ड में से निकालूंगी कुछ इस तरह से, ये देखिए, और फिर हम इसको करेंगे डीमोल्ड एक प्लेट रख के। ये देखिए इस तरह से, वाओ, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनके तैयार हुई है ये। और मैं अब इसको कर दूंगी सीधा, ये देखिए, है ना, बढ़िया पुडिंग। तो चलिए अब इसके पीसेस करते हैं सर्व करने के लिए। इस तरह से अगर आप पुडिंग बनाएंगे और अपने गेस्ट को सर्व करेंगे या बच्चों को सर्व करेंगे, तो बिलीव करिए इतना बढ़िया ये डिजर्ट बना है। कैन यू जस्ट सी दिस, हाउ क्रीमी एंड नाइस। तो बस इस तरह से मैं इसको प्लेस करूंगी। वाओ, मुंह में पानी आ गया, और देखने में कितना खूबसूरत। तो ये आपकी कुकिंग टेक्निक है, आप इसको बनाइए और गेस्ट की वाहवाही लीजिए। ये देखिए, है ना बढ़िया। मैं बस इस तरह से इसको लगाती जाऊंगी एक सर्विंग ट्रे के अंदर। सो यमी एंड नाइस, जरूर इसको ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए हो गई ना बढ़िया तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव सच इंस्टेंट रेसिपीज़।